तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत तेलंगाना ने अहल ख़ानदानों को नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की इजराई के लिए अहलियत के पैमाने की सिफारिशात और तरीक़ेकार के तायुन के लिए एक काबिनी सब कमेटी तश्कील दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने जुमेरात को इस ताल्लुक़ से जियो नंबर 1071 जारी कर दिया। नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स किन अफराद को जारी किया जाना चाहिए, कौन अहल है नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स के, इस ताल्लुक से ये काबिनी सब कमेटी पैमाना और सिफारिशात और तरीक़ेकार का तायुन करेगी। वज़ीर सिविल सप्लाईज कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी इस काबिनी सब कमेटी के सदर नशीन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद उमूर राज नरसिम्हा, वज़ीर माल अमकना इतलात व ताल्लुकात आमा टी श्रीनिवास रेड्डी को अरकान मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमूर सारिफिन व सिविल सप्लाईज इस सब कमेटी के कन्वेनर्स होंगे। आवाम की जानिब से नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से तेलंगाना में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने नया राशन कार्ड जारी करने का वादा किया था, जिस पर अब अमल आवारी हो रही है। हैदराबाद न्यूज़ उर्दू।